हेलो दोस्तों, तो आज हम बना रहे हैं आलू पोंगे। इसे हिंदी में जो है आलू पोंगे बोलते हैं और वैसे इसे पोटैटो फिंगर्स बोलते हैं। इसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है, ये फिंगर लिया है, इसे पोंगे भी बोलते हैं। ऑनियन मैंने चॉप करके रखी है, धनिया पत्ती है, टोमेटो को चॉप किया है और आधा लेमन लिया है। आलू था, इसको मैंने धनिया पत्ती और नमक लाल मिर्च से मिक्स कर दिया। ये सेव लिए हैं बारीक वाले और चटनी ली है। चटनी आप कोई सी भी ले सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी भी ले सकते हैं या फिर आप धनिया या मिर्च की चटनी भी ले सकते हैं। अब हम थोड़ी सी चटनी लेंगे और जो आलू का हमने मैश किया हुआ है इसमें ऐसे डालकर मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स कर रहे हैं क्योंकि इसमें चटनी का जो टेस्ट आएगा काफी अच्छा आएगा। ये जो रेसिपी है आपकी मात्र 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। अब किसी भी गेस्ट वगैरह आपके घर में आते हैं आप उनको इसलिए बनाकर खिला सकते हैं और काफी और खाने में भी काफी टेस्टी लगती है। अब हमने ये कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया जिसमें अपने फिंगर्स को तलेंगे। ये देखिए गर्म हो गया है ऑयल भी, ये देखिए भाप आने लगी है इसमें से हीट। अब हमें तलेंगे, देखिए हमने तल लिए, तला चुके हैं। अभी इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे फिंगर्स तला गए हैं। देखिए जो हमारी स्टफिंग थी इसमें हम ये लेमन का जूस ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मिक्स हो चुका है। अब इसमें हमें टोमेटो ऐड करेंगे, अनियन, थोड़ी सी धनिया पत्ती, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस टाइप से हम एक फिंगर उठाएंगे और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसमें ऐसे अंदर के साइड इसे भर देंगे। देखिए अब ये इस टाइप से, ये देखिए अंदर से फिर से अगेन मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा नीचे गिरेगा इसे इग्नोर कीजिए, भर दीजिए अंदर तक क्योंकि ऊपर से खाने में क्रंची और अंदर से इसका जो टेस्ट रहेगा काफी अच्छा रहेगा। ये देखिए आप, काफी लेटेस्ट वीडियो है ये, काफी अच्छी डिश है। आप लोग देखिए कितना ऑसम दिख रहा है, खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगेगा, ये बच्चों को भी काफी पसंद आएगा और जो गेस्ट वगैरह आएंगे उनको भी काफी पसंद आएगा। एक बार आप बनाइए, ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।